हेलो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसमें सीबीएसई ने क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया पैटर्न सीबीएसई ने किस तरीके से बनाया है। देखिए, तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके दो टर्म में होंगे, टर्म वन एंड टर्म टू। और जो टर्म वन होगा वो एग्ज़ाम आपका नवम्बर से दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है। और इस टर्म में आपका 50% सिलेबस आएगा, लेकिन सीबीएसई ने अभी ये नहीं बताया कि इस 50% सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे। और ये चैप्टर आपकी सीबीएसई इस मंथ के एंड में बताएगी, यानी कि जुलाई के एंड में बताएगी, ओके। और ये एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये एग्जाम आपका 1.5 घंटे का होगा और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा। तो किस तरीके से लेंगे ये एग्जाम को? ओएमआर शीट पे लेंगे। ओएमआर शीट क्या होती है? तो आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर चार सर्कल होते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हमने फिल करना होता है, उसे बोलते हैं ओएमआर शीट। तो ये एग्जाम आपका ओएमआर शीट पे लिया जाएगा। और ये एग्जाम कहाँ पे होगा ये आपका डिपेंड करता है कोरोना के ऊपर। अगर आपका कोरोना मतलब ज़्यादा है तो ये आपका स्कूल में भी हो सकता है, और अगर आपका कोरोना थोड़ा कम हो गया है तो ये आपका दूसरे स्कूलों में होगा, यानी कि सेंटर बोलते हैं ना उसको, जब आप दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देते हो बोर्ड के, तो ये दूसरे स्कूल में भी जाके हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये एग्जाम आप दूसरे स्कूल में जाके दोगे तो वहाँ पे तो दूसरे स्कूल के टीचर ड्यूटी दे रहे होंगे ना, ठीक है। लेकिन ये तो केस तब है जब आप दूसरे स्कूल में जाके दोगे। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये एग्जाम होता है 1.5 घंटे वाला, एमसीक्यू वाला, तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, यानी कि जो ड्यूटी देने आएंगे ना वो दूसरे स्कूल के टीचर होंगे। ये नहीं कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वही ड्यूटी दे रहे होंगे, ठीक है। तो चाहे दूसरे स्कूल में जाके पेपर दो, चाहे अपने स्कूल में पेपर दो, ड्यूटी तो दूसरा टीचर दे रहा होगा, ओके। तो स्पेशल केस बाद में बताता हूँ मैं। अब देखते हैं टर्म टू। तो टर्म टू का एग्जाम होगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, और इसके अंदर भी 50% सिलेबस आएगा, और ये सिलेबस आपकी सीबीएसई इस मंथ के एंड में बताएगी। लेकिन ये जो टर्म टू का पेपर है ना, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ये होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? जिसमें आप लिखते हो, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज कनकेव लेंस, तो आप लिख के बताते हो ना पूरा आंसर। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन को बस टिक करना होता है। तो ये एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन लिख के बताना होगा, ठीक है। और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। और इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे? एक तो होंगे केस बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आपके डिपेंड करते हैं, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 2 से 3 नंबर के होते हैं। और फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर आपके 4 से लेके 5 नंबर के बीच में होते हैं, ओके। तो ये तो मैंने पैटर्न आपको सारा समझा दिया, ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन ये पैटर्न कब यूज होगा? जब आपका कोरोना बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है कि अगर कोरोना बढ़ गया तो क्या सिचुएशन होगी? अगर आपका कोरोना बढ़ जाता है टर्म टू में अगर आपका कोरोना बढ़ जाता है, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था वो कन्वर्ट हो जाएगा एमसीक्यू में, और वो भी आपका सेम 1.5 घंटे का पेपर होगा। और ये तो है टर्म टू के अंदर अगर कोरोना बढ़ जाए। और अगर आपका टर्म वन के अंदर कोरोना बढ़ गया तो क्या होगा? तो जो आपका एमसीक्यू पेपर हो रहा था ना, वो आपका स्कूल में होने की बजाय आपके घर में होगा। अब कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर हम तो घर पे पेपर देंगे, मजा आ गया हमें तो। लेकिन यहाँ पे ना सीबीएसई बेवकूफ नहीं है, ठीक है, सीबीएसई ने अपना दिमाग लगाया है। तो सीबीएसई जो आपका घर पे पेपर दे रहे हो उसकी वैल्यू कम कर देगी, समझ में आई बात? वैल्यू कम करने का मतलब क्या है? वेटेज कम कर देगी मार्क्स की। तो जब भी आपका 10th या 12th का रिजल्ट बनता है तो उसके अंदर टर्म 1 के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं और टर्म 2 के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो आपके टर्म 1 वाले जो मार्क्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि अगर आपने टर्म 1 में अच्छे नंबर ले लिए और टर्म 2 में आपने थोड़े कम नंबर लिए हैं, ठीक है, तो जो आपके अच्छे नंबर है ना उनकी वैल्यू थोड़ी घटा देगा, क्योंकि वो आपने घर से पेपर दिए हैं। तो इस केस में आपके जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि देखो कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, इसमें लोगों की जान जा रही है, तो पेपर तो बहुत छोटी चीज है, तो हेल्थ सबसे पहले है, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा पैटर्न आपको समझा दिया, ठीक है, ये तो सिंपल पैटर्न है। लेकिन अब एक और चीज आती है, मान के चलो आपका टर्म 1 में भी कोरोना है, टर्म 2 में भी कोरोना है, यानी कि इतना कोरोना हो चुका है, यानी कि एक्सट्रीम पे जा चुका है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगी? उस केस में आपका जो रिजल्ट बनेगा वो किस बेस पे बनेगा? वो आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स के बेस पे बनेगा, ठीक है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बनेगा, और वो आपका बाकी जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके बेस पे बनेगा, ठीक है।
तो इन तीन चीजों के ऊपर बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा अगर कोरोना बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये पूरा पैटर्न समझ आया होगा कि जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, तो होप करता हूँ आपको ये समझ आया। तो इसी टाइप की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि जो ये सीबीएसई ने नया पैटर्न बनाया है ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।